हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज मंजेश कुमार, फोर्थ ईयर MBBS स्टूडेंट इन रशिया। आज का ब्लॉग मैं काफ़ी लेट से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ हो रहा है अभी मेरे 5:40 के आसपास में हो रहा है। यस, अभी 6 बजने वाला है। यहाँ 6 बजने में 7-8 मिनट बाकी है। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करो। अगर हमारे चैनल रशिया मेडिको को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल रशिया मेडिको को सब्सक्राइब कर लो। आज पूरा दिन क्लास था, 9 बजे से क्लास स्टार्ट हुआ, उसके बाद लेक्चर ख़त्म हुआ, उसके 10 मिनट के बाद फिर प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट, तो कंटिन्यू क्लास चला। उसके बाद क्लास ओवर हुआ तो मैं इतना थक गया था, उसके बाद मैं सो गया क्लास करने के बाद। तो डायरेक्ट सो कर उठा तो यहाँ बज रहा था 4:30। तो मैं सुबह से ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया था, तो जस्ट अभी मैं बाहर निकला हूँ तो मैं सोचा चलो भाई आज का ब्लॉग थोड़ा शॉर्ट रहेगा लेकिन एटलीस्ट बना तो दें। अभी मैं जा रहा हूँ, एक स्टेशनरी का शॉप है हमारे हॉस्टल के पास में ही है, तो ये रहा सामने शॉप, ये रहा, तो यहीं जा रहा हूँ अभी। कुछ स्टेशनरी का सामान लेना है, यहाँ से लेता हूँ फिर। अभी मैं यहाँ स्टेशनरी शॉप से एक डायरी लेने वाला हूँ जो कि पतला भी हो और छोटा भी हो, क्योंकि आपको पता है जो MBBS का जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत लंबा लंबा होता है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी जल्दी याद नहीं रहता आसानी से। तो मैं सोच रहा था कि जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उनको मैं, जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं, जितने भी कुछ मेडिसिन भी है वो भी जल्दी याद नहीं रहता, तो मैं उन सबको उस डायरी में लिख कर रखूँगा। और कभी जैसे मैं पढ़ लिया फिर उसके 2-3 दिन के बाद मैं उस डायरी को लेकर बस उस वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को जो है ना रिवाइज करूँगा। इसलिए मैं अभी यहाँ डायरी देखने आया हूँ पहले, तो देखता हूँ फिर डायरी है कहाँ। और अभी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत स्टेशनरी का रेट भी बता देता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हो ये पूरा नोटबुक का कलेक्शन है, जैसे ये 82 की नोटबुक्स है, ये 79 का, ये कॉस्टली है 149 का है। उसके बाद सस्ते भी हैं, ऐसे नहीं कि सब महंगे हैं। इधर जो नीचे पर हैं ये 13 रूबल का है, उधर 14 रूबल का है, ये जो नीचे पतला सा है ये सब 10 रूबल का है। तो मैं अपना जो सबसे पहले मैं अपना डायरी देख लूँ, ये रहा डायरी का कलेक्शन इधर है, और ये सब तो काफ़ी कॉस्टली डायरी है, 681 966। मैं सबसे पतला और छोटा मैं देखता हूँ, स्मॉल किड्स और भाई मिलेगा अभी क्या हम लोग, हाँ ये चल सकता है। दिस वन ये 85 का है भाई, हमारे इंडिया में तो गला बज रहा है, हमारे इंडिया में 85 अभी, सॉरी रशिया में 85 का है, हमारे इंडिया में 40-45 का मिलता है, लेकिन ये रोल नहीं है, रोल वाला इसमें कुछ है। ये रहा देखिए, सॉरी गिर गया, इसका रेट है 86। यहाँ से ये अच्छा होगा, और भी देख लेते हैं कहीं कुछ इससे भी अच्छा मिल जाए तो, और इससे अच्छा दिख रहा है लेकिन कुछ खास नहीं है, सब बच्चे वाले हैं सब टीरूबल। और एक ये भी है, दिस वन माय नोट्स, ये वाला, ये भी अपने काम का नहीं है, RV मेंस, RV रोल नहीं है इसमें कभी, तो यही ले लेता हूँ भाई, यही ले लेते हैं फिर। उसके बाद और भी काफ़ी कॉस्टली है भाई यहाँ डायरी का रेट, 974 का ये। स्टिकी नोट्स भी ख़त्म है मेरे पास तो वो भी ले लेता हूँ पहले, तो एक छोटा सा ये कितने का है, 48 का है, और एक ये, दिस वन, ये 47, एक ये ले लेता हूँ, काफ़ी है इतना, ज़्यादा बड़ा स्टिकी नोट तो यूज नहीं आता। आप स्टेशनरी का जो रेट देख रहे हो ये नहीं कि थोड़ा सा महंगा है तो आप इंडिया से भर कर लाओ, ऐसा नहीं है भाई, थोड़ा सा ही कॉस्टली है, आप इंडिया से वो सामान लाओ जो कि आपको रशिया में नहीं मिलने वाला है। अब ये नहीं कि भैया कॉपी महंगा है, स्टिकी नोट्स महंगे हैं तो मैं इंडिया से ही लेकर आऊँगी, चाहे लेकर आऊँगा, नहीं भाई यहीं आकर खरीदना यार, 5-10 रूपल ही तो कॉस्टली है, और जितना का तुम जितना पैसे बचाओगे ना स्टेशनरी के सामान में उतना वेट में लग जाएगा तुम्हारा, फ्लाइट में वेट बहुत कम मिलता है। अभी मैं कुछ और बोल रहा हूँ, क्या लेना है, एक और सामान, डोंट नो, इधर बैग्स भी है, यानी कितना रेट है बैग्स का, क्या रेट चल रहा है भाई,
रेट देख लेते हैं। ओह माय गॉड, ये वाला बैग 3400 का है, 3434 रुपये का है भाई। बहुत सस्ता है भाई, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। ओह माय गॉड, ये देखिए इधर, ये क्रिसमस का भी सामान लगाना स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि क्रिसमस अभी आने वाला है, इसलिए अभी दुकान में सजना स्टार्ट हो गया। मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ कि रशिया में जो स्टेशनरी का कॉस्ट है वो थोड़ा महंगा है, थोड़ा महंगा है, ज़्यादा नहीं। तो आप इंडिया से ज़्यादा स्टेशनरी का सामान लेकर मत आना, इतना। ये देखो बार्बर किट्स, यहाँ बस बच्चों का बाल कटता है। हमारे इंडिया में कहीं हमको नहीं लग रहा है कि ऐसा कहीं सैलून होगा जहाँ बस बच्चों का बाल कटता है, यहाँ सबके लिए अलग अलग है कपड़े। देखो भाई, ये देखो, ये देखो छोटी सी बच्ची एकदम, ओहो। अभी मैं स्टेशनरी शॉप से निकल कर वॉक करते करते अभी मैं पुशकिन स्क्वायर स्ट्रीट पे आ गया हूँ। और आप लोगों को पता है आज का टेम्परेचर कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस। अभी मैं 1 डिग्री सेल्सियस में बाहर चल रहा हूँ तो, और आज रात को अप्रॉक्स 12 या 1 बजे के आसपास में -2 टेम्परेचर अभी शो कर रहा है। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो कि मैं -1 डिग्री सेल्सियस में कुछ नहीं, बस एक जैकेट और एक टी शर्ट लगा कर घूम रहा हूँ। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, ऐसा मत सोचो कि टेम्परेचर -10 जा रहा है तो आप बाहर निकलोगे तो आप फ्रीज हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो ग्लोव्स वगैरह कुछ नहीं पहना हो। अगर इंडिया में अगर 1 डिग्री सेल्सियस आ जाए तो मैं जैसे अभी यहाँ घूम रहा हूँ ना, वैसे इंडिया में नहीं घूम सकता। इंडिया में तो जब ठंड होता है तो एकदम मोफलर, जैकेट, इनर, थर्मल, सब कुछ पहन के एकदम इतना मोटा बन के आदमी बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, टेम्परेचर कम रहता है। लेकिन और ऐसा कि मेरा 3 साल यहाँ हो चुका है, अभी मैं 4th ईयर में हूँ तो रहते रहते आदत बोल सकते हो या कुछ भी। लेकिन जो 1st ईयर में बच्चे आते हैं उनको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, यहाँ के इन्वायरमेंट में सब बच्चे अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। जहाँ मैं रहता हूँ साउथ साइड में, यहाँ तो वैसे ज़्यादा ठंड नहीं पड़ता, मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। और अभी ये कल परसों से फिर टेम्परेचर 5 डिग्री 10 डिग्री आ जाएगा। अगर जिस दिन 15 डिग्री सेल्सियस चला गया ना, उस दिन हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है फिर। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ पेतुरेज का, अभी थोड़ा भूख लग गया है तो अभी मैं वहाँ से सलोइका लूँगा, फिर सलोइका खा कर फिर हॉस्टल जाऊँगा, फिर हॉस्टल जाने के बाद हॉस्टल में खाना बनाना है, फिर खाना बनाने के बाद आज रात को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आज दिन में मैं बहुत ज़्यादा सो लिया, तो आज रात को पढ़ कर जितने भी होमवर्क्स हैं वो कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी मैं बाहर से आने के बाद तुरंत खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, अभी खाना ऑन द प्रोसेस है, 30 से 35 मिनट में खाना रेडी हो जाएगा। ये लोग टिक्की भी लग गया एक, और बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि खाना कैसे बनाएंगे, जब खाना बनाएंगे तो फिर पढ़ेंगे कब? अरे ऐसा बात नहीं है, आप ग्रुप में खाना बना रहे हो तो 3 दिन में 1 दिन बनाना है, तो अगर आप 30-35 मिनट अगर आप खाना बनाने में अगर लगा दोगे तो ऐसा नहीं कि आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। और आप खुद से खाना बनाओगे तो जो मन वो खाना बनाओ वो खाओ, एकदम गरम गरम मज़ा आता है। फिर बाहर का खाना तो आप समझ ही रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो आपके पास बेटर ऑप्शन है कि आप खाना खुद से कुक करो, जो मन वो बनाओ वो खाओ, एकदम मस्त लाइफ जियो। और थोड़ा होता नहीं है लाइफ में सब कुछ करके देखना चाहिए, ये भी देखो कि खाना भी बनाना तो आना चाहिए, ऐसा नहीं। रशिया आने से पहले मैं कभी कुकिंग नहीं किया था, यहाँ आकर स्टार्ट किया और अभी थोड़ा इतना ज़रूर बना लेता हूँ कि आदमी खा सके, थोड़ा अच्छा खासा थोड़ा टेस्टी बन जाता है। सो गाइस, मैं सोच रहा हूँ आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करूँ, मिलता हूँ फिर आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।